विसर्ग का रह हो जाता है, लेकिन रह पूरा नहीं होता है, रह होता है हलंत वाला। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दूसरा नियम है, और ये दूसरा जो नियम है इसमें होता क्या है, देखिए विसर्ग जो हमारा होता है जिसका चिन्ह ये होता है विसर्ग, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, र। लेकिन र में जो है हलंत लगा होता है, हलंत लगा होता है र में। इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ यूट्यूबर जो है मैं देखता हूं कि यहाँ जो है विसर्ग का र हो जाता है, पर र में हलंत नहीं लगाते। और जब हलंत नहीं लगेगा तो फिर नी जमा आशा का निराशा कैसे हो जाएगा, ये मुझे पता नहीं लगता है। वो कैसे कर देते हैं इसको, बस पढ़ा देते हैं कि नी जमा आशा निराशा, नी जमा अर्थक निरर्थक, और वो लिख देते हैं कि र हो जाता है। ठीक है, तो र जो है वो हलंत वाला है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। हलंत वाला र कहाँ है, किस तरह होगा, कैसे उसका हम ये पता लगाएंगे कि हलंत वाला र है या पूरा र है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको मैं। फिर बात करते हैं हम कि विसर्ग का र कैसे होगा, क्या क्या चीजें विसर्ग से पहले होंगी, जो हमारा यहाँ विसर्ग होगा इससे क्या क्या चीजें पहले होंगी और क्या क्या चीजें इसके बाद में होंगी, ये हमें मालूम होगा, होना भी चाहिए, तभी तो हमारा परिवर्तन होगा विसर्ग का हलंत वाले र में। ठीक है, तो अब इसी बात करते हैं। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले की बात करिए, यहाँ की, यहाँ की ए और आ को छोड़कर या ए आ से भिन्न स्वर, ए और आ को छोड़ दीजिए, उससे भिन्न स्वर, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, यानी यहाँ ई होनी चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए, छोटा ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए, और आपकी री होनी चाहिए, आपका ए होना चाहिए, आपका आई होना चाहिए, आपका ओ और आपका औ, ये सारे यहाँ होने चाहिए। ठीक है, केवल हमने अ और आ को छोड़ दिया, ए और आ को छोड़कर जो है विसर्ग से पहले ये होने चाहिए। ठीक है, और बाद में क्या कहा आपने, तथा विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, यहाँ कोई भी स्वर हो, यानी आपका ए भी होना चाहिए, आ भी होना चाहिए, छोटी भी बड़ी भी छोटा ऊ भी और आपका बड़ा ऊ भी, ठीक है, सारे होने चाहिए, आपका री भी, ए भी, आई भी, ओ भी, औ भी, ठीक है, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, विसर्ग से पहले की बात कर ली हमने और विसर्ग के बाद की। इसमें विसर्ग के बाद वाले में तीन कंडीशन है, एक तो कोई भी स्वर हो, ठीक, दूसरा या किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, ये वर्ग हमने आपको पहले पढ़ा दिए थे जब हमने संधि शुरू की थी, क वर्ग, आपका क वर्ग है, आपका च वर्ग है, आपका ट वर्ग है, आपका त वर्ग है और आपका प वर्ग है। ठीक है, सब में पांच पांच वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनमें किसी वर्ग का तीसरा, हालांकि इसमें कितने होते हैं आपको पता है, क ख ग घ, ठीक है, ये होते हैं इसमें, तो इसने कहा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा ये होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें च ज झ होना चाहिए, यानी कि ये और ये होना चाहिए, ऐसे ही सभी के इसमें तीसरा चौथा पांचवा किसी वर्ग का होना चाहिए, या फिर अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे, य है, ल है, व है, ये होने चाहिए आपके अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई हो, या फिर आपका ह भी दिया जाए इसमें। तो इसमें तीन कंडीशन हो गई विसर्ग के बाद वाली में, एक तो आपके कोई भी स्वर हो, फिर आपका किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर आपका अंतस्थ व्यंजन हो, इनमें से कोई हो,
या फिर हो, इनमें से कोई हो, तो आपका क्या होने वाला है। देखिए इन तीन चीजों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है तो क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा। सीधी सी बात है, यदि ये हो तो विसर्ग का जो है वो रा हो जाता है, र, विसर्ग का र हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हमारा दूसरा नियम, ठीक है। तो विसर्ग का र हो जाता है, लेकिन र में जो है हलंत लगा हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, नोट कर लेंगे आप इस बात को। आगे देखते हैं उदाहरण से, और जल्दी समझ में आएगा उदाहरण से आपके। पहला शब्द हमने ले लिया नी, यहां विसर्ग है, जमा आशा, नी जमा आशा ले लिया हमने। आप देख रहे हैं यहां जो है विसर्ग के बाद में आ, यानी कोई भी स्वर हो यहां तो विसर्ग के बाद में, तो और पहले हमारा आया को छोड़ करके। अब आप देख रहे हैं कि यहां हमें तो न दिखाई दे रहा है, गुरु जी ने कहा कि आया को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो आप देखिए अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ हमें दिखाई दी छोटी ई, यहाँ हमारा विसर्ग ज्यों का त्यों रहा और यहाँ हमारा आ ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। मेन किसका होना है, एक तो इसका और एक इसका। मेन किसका होगा, जो हमारा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, ठीक है। और मेन किसका होगा, हमारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। दोनों का मेल होगा, दोनों का मेल होगा, लेकिन बदल कौन रहा है, हमारा विसर्ग बदल रहा है और कोई नहीं बदलेगा, न तो हमारे पहले आने वाला स्वर और न हमारे बाद वाला स्वर, इनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल विसर्ग का हलंत वाला र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी हमारा शब्द जो है वो चौंकाते हो रहेगा, जो पहले आया था वो भी चौंकाते हो रहेगा और जो बाद में आया है वो भी चौंकाते हो रहेगा, ठीक है। अब इनको मिला लेंगे हम। अब आप देखिए यहां कुछ लोग कहते हैं कि ये र हो जाता है, अरे भाई र कैसे हो जाएगा, सोचने वाली बात है। एक यूट्यूबर पढ़ा रहे थे कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हलंत वाला र नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने रखा पूरा र, यानी ये लिखा हुआ था र हो जाता है, र हो जाता है ऐसा लिखा हुआ था, इसके नीचे कोई हलंत नहीं लिखा हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, मैंने कमेंट्स करके उनको कहा भी कि श्रीमान जी अगर हलंत वाला र नहीं है, आप पूरा र कह रहे हैं, तो फिर नी जमा आशा का निराशा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हलंत वाला र है और ये इसको पूरा कर देगा, कोई भी हमारा व्यंजन हो उसको पूरा कौन करता है, उसके बाद आने वाला स्वर, ठीक है, ये इसको पूरा करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा और स हमारा झुकातु आ जाएगा और यहाँ हमारा नी झुकातु आ जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, निराशा। इस प्रकार ये नी जमा आशा से निराशा बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। हमारे उदाहरण बहुत सारे हैं, मैंने आपके लिए उदाहरण बहुत सारे ले लिए हैं ताकि आपको अभ्यास में कोई कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। हमारा आ गया, अब देखिए हमारा ए, नी जमा अर्थक, ये हमारा आ गया नी जमा अर्थक। इसका भी यही, अगर इसका वर्ण विच्छेद करें हम तो यहां पे हमें ई दिखाई दी और यहां हमें अ, और ये अर्थक जो का तो रहने वाला है, मेल होगा इसका, परिवर्तन होगा इसमें हलंत वाले र में, बाकी सब ज्यों का त्यों रहने वाला है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है। ये इसको पूरा कर देगा तो ये र हो जाएगा, बाकी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। अरे आप ये निरर्थक कार्य कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे पता लगता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो हलंत वाले
रा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए आप यहां नी जमा उत्साह, हमने यहां ऊ ले लिया है और आ तो हमारे पहले आ गए। ठीक है, मैं प्रत्येक वर्ण को लूंगा यहां, ऐसे यहां न आपका आ गया, छोटी ई आ गई और यहां आपका आ गया उत्साह। ठीक, मेल किसमें होगा? इसमें और इसमें। परिवर्तन होगा इसका, बाकी शब्द हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, कोई भी परिवर्तन कहीं नहीं होगा। इसको ये पूरा कर देगा, ये हो जाएगा हमारा ये, और बाकी शब्द हमारा ज्यों का त्यों, ये भी हमारा ज्यों का त्यों, शब्द हमारा क्या बन गया? निरुत्साह, जिसमें कोई उत्साह ना हो, निरुत्साह। ठीक है, ऐसे बना हमारा ये शब्द। फिर देखिए आगे एक और शब्द ले लेते हैं हम, नी जमा जन। ये नी वाले बहुत शब्द है हमारे पास, नी जमा जन, ऐसे ये है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये निकल कर आएगा, और ज यहां देख लीजिए ये ऐसे निकल कर आ जाता है, क्योंकि ज का जब वर्ण विच्छेद करेंगे जन का, तो ज के बाद में अ आएगा, न के बाद में अ आएगा। मेन किसका होगा? इसका और इसका। हमने कहा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अब ये ज क्या है? ये छ वर्ग का तीसरा है, आप यहां देख लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा, ये छ वर्ग का तीसरा वर्ण है ज। ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा आप देख लीजिए, किसमें होगा परिवर्तन? केवल परिवर्तन इसमें होना है, ये हलंत वाला र हो जाएगा और बाकी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, नी भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये जो है सहारा, इसको जो र आधा है सहारा, इसको ये ज देगा। ठीक है, सहारा कौन देगा इसको? ज देगा, क्योंकि इसके पास स्वर है, ये भी तरह बेसहारा है, अब इसको सहारा देगा और इसको अपने कांधे पे ले लेगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा? निर्जन, निर्जन, ये हमारा शब्द बन जाएगा, जहां कोई जन ना हो, जहां कोई आदमी व्यक्ति ना हो, उसको निर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, यहां हमने ले लिया है ज, यानी कि उस वर्ग का छ वर्ग का हमारा तीसरा वर्ण आ गया, ऐसे हमारा प वर्ग का यहाँ ब है, ऐसे हमारा त वर्ग का ध है, ऐसे च वर्ग का चौथा है, ऐसे प वर्ग का हमारा चौथा है, सॉरी पांचवा है, ऐसे हमारा य र ल व, इनमें से आ गया हमारा ये निर्यात, ऐसे हमारा आ गया, ग आ गया, ब आ गया, उ आ गया, व हमारा य र ल में से आ गया। आशीर्वाद को ले लेता हूं, ये वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है, इसमें वर्तनी शुद्धिकरण में। ठीक है, इसको ले लेते हैं आशी जमा वाद। ठीक है, अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा, ये बड़ी की मात्रा है आपको दिखाई दे रही है, और यहां देखिए हमारा व के बाद हमें आ दिखाई देगा और द के बाद हमें अ दिखाई देगा, मेल इसका और इसका होगा, यानी कि ई का और व का, य र ल व में से इसका उत्तर होगा। ठीक है, और परिवर्तन किसमें होने वाला है? इसमें होगा, बाकी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन कहीं नहीं होने वाला, ये आशी भी ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब ये र जो है व के ऊपर चला जाएगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद बन जाएगा। कुछ लोग ये जो हमारा र है इसको र का यहां लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, तब कि ये गलत है, ये गलत है। जहां पे आपके र की ध्वनि आ रही है तो र उससे पहले नहीं लगेगा, अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सारा इसको वही देगा जिसके पास स्वर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद जो है वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सब जो है ऐसे आ रहे हैं, ये मा गया, ये धा गया, ये जा गया, ये आ गया, बड़ी की मात्रा आ गई है, ये ज आ गया, ये वी आ गया, ये ल आ गया, ठीक है, ये र ल व। अब देखिए आप कुछ ले लेते सब जो हमारे होंगे, जैसे हमारा आयु हो गया, आयु प्लस वेद, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा मेल हो अब किस किस का हुआ, देखिए आ हमारा आ हमारा झुका तो रहा, और य के बाद हमें क्या दिखाई दिया, उ, ठीक है, यहाँ व है और व के बाद हमें क्या दिखाई दिया, ये धमनी है हमारी, ठीक है। मेल किसका होगा, इसका और इसका, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो है ऐ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, और बाद में हमारे य र ल व तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का, और हमारा ह, ठीक। तो इनका मेल हुआ तो बदला केवल क्या, हमारा र, हलंत वाले राम बदला केवल, बाकी हमारा शब्द ये जोकाते हो रहेगा, यहाँ व जो है वो जोकाते हो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है, ये यहाँ जोकाते हो रहेगा, यहाँ हमारा आयु भी जोकाते हो रहेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, र को सहारा कौन देगा, व, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, आयुर्वेद, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद। ये र जो है व के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ सभी के उदाहरण दे दिए हैं आपको, लगभग लगभग एक रीरी वाला और रह गया है, और मैं रीरी वालों को भी आपको उदाहरण को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा 26वां उदाहरण है वय, इसको कुछ लोग धन भी बोलते हैं, धन भी बोल सकते हैं इसको, वृद्ध, ठीक है, ये शब्द है हमारा वय जमा वृद्ध, क्या आयो, वृद्ध। इसका अगर हम उच्चा वो करेंगे वर्ण विच्छेद, तो आप देखिए यहाँ हमें अ दिखाई देगा और यहाँ हमें अ दिखाई देगा, ठीक है। हमने कहा कि स्वर से पहले विसर्ग से पहले, यहाँ देखिए आपको यहाँ क्या दिखाई दिया, अ, जबकि यहाँ अ होना नहीं चाहिए, जबकि यहाँ अ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा ये उदाहरण जो है इसमें नहीं फिट बैठता है, क्योंकि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी वर्ण कोई भी व्यंजन हमारा स्वर आना चाहिए, इसलिए ये उदाहरण इसमें कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हैं स्वर से पहले जो है वो आ रहा है, ठीक है। हम 26वां उदाहरण ले लेते हैं, नी जमा इक क्षण, नी जमा इक क्षण, ठीक है, ये ले लेते हैं हम। यहाँ इसका हमने किया वर्ण विच्छेद, तो यहाँ हमें ई दिखाई दिया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें बड़ी ई आसानी से दिखाई दे रही है, यहाँ इसके बाद हमें अ मिलेगा और आने के बाद भी हमें अ मिलेगा, इसका दोनों का मेल हो रहा है, ठीक है। हमने कहा था विसर्ग से पहले कोई भी अ को छोड़कर आ जाएगा, और विसर्ग के बाद में कोई भी हमारा स्वर आ जाए, दोनों का मेल होगा, और देखिए ये परिवर्तन केवल हमारा हलंत वाले र में होगा, बाकी हमारा ज्यों का त्यों रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा नी भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये पूरा इसको करेगा, ये पूरा इसको क्यों, ये आधा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, री, और ये अक्षर झुका तो ये, और ये हमारा नी झुका तो निरीक्षण, ये क्या शब्द बना, निरीक्षण, ठीक है। बाकी उदाहरण आप आसानी से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको आए तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। मुझे जो है विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में बड़ा उ नहीं मिला कहीं भी, मैंने बहुत सर्च किया, अगर आपको मिले ऐसा कोई शब्द जिसमें विसर्ग के बाद में बड़ा उ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपके लिए उस शब्द को भी बता दूंगा उसमें कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है।
तो ये हमने आपको यहाँ बताया कि आप जो है विसर्ग का र हो जाता है और विसर्ग का र जो है वो हलंत वाला होता है। ठीक है, अगर वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और एक कमेंट्स भी जरूर करें। आपको वीडियो कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, वो कमेंट्स करके आप मुझे बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लेकर आएंगे विसर्ग संबंधित अगला नियम। धन्यवाद। जय हिंद।